अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 4.5 क्वेश्चन नंबर 1। ड्रॉ द फॉलोइंग स्क्वायर, रीड READ विथ RE इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। देखो, पहले हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, तो हमें करना क्या है। हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हमने 4 एक्सरसाइज की हैं, तो हम बखूबी जानते हैं कि हमें एक स्क्वायर बनाना है। मगर स्क्वायर में हमें क्या दिया गया है, स्क्वायर में हमें एक साइड दिया गया है, हमें पता होना चाहिए और हमें पता भी है कि जो ये स्क्वायर है, जो स्क्वायर हमें बनाना है, तो वो स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर के जो साइड्स होते हैं वो बराबर होते हैं। अगर एक साइड, स्क्वायर का एक साइड 5.1 है, दूसरा साइड भी 5.1, तीसरा 5.1, चौथा 5.1, ऑल दिस इन स्क्वायर ऑल द साइड्स आर इक्वल। और एक खास बात है, इसमें जो एंगल्स होते हैं, स्क्वायर में जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो 90 डिग्री होते हैं। तो हम पहले स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर को कैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो इसके बाद हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, तो इसके माध्यम से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन है, ड्रा द फॉलोइंग स्क्वायर, रीड READ विथ RE इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। फर्स्ट वी ड्रॉ, हम क्या करेंगे, हम स्केल उठाएंगे और 5 पॉइंट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। मैं ये एग्जाम्पल के माध्यम से दिखा रहा हूं। ये R एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, मिसाल के तौर पर ये 5.1 सेंटीमीटर है ना। ये है आर और ये है ई। पहले क्या करना है, वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट आर ई 5.1 सेंटीमीटर। देन दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, हम प्रोटेक्टर लेंगे, यहां आर पर 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक। आर पर हमने 90 डिग्री बनाया, देखो प्रोटेक्टर लाएंगे, प्रोटेक्टर रखेंगे इस पर, 90 डिग्री बनाएंगे, 90 डिग्री आ गया। दूसरे साइड में क्या करेंगे, टेक पॉइंट ई, हम ई पर 90 डिग्री बनाएंगे प्रोटेक्टर के साथ, प्रोटेक्टर के माध्यम से हम 90 डिग्री बनाएंगे, ये हमने 90 डिग्री और बनाया। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, तीसरा सेटअप क्या करेंगे, जो आर, अब हमें यह पता नहीं है ये READ है ना, रीड है ना स्क्वायर, अब हम ये करेंगे R पर हम ये खुलाएंगे, मेजरमेंट लेंगे 5.1 और आर्क एक ड्रा करेंगे, ठीक है ना। ये स्क्वायर पर लेंगे हम 5.1 सेंटीमीटर और कंपास के माध्यम से R पर लेंगे और हम करेंगे यहां कट, ये जो आर्क ड्रा करेंगे तो ये है 5.1 सेंटीमीटर। इस तरह अगेन यहां पर भी रखेंगे, हाँ, कंपास को खुलाएंगे 5.1 और एक आर्क ड्रा करिए, ठीक है ना। और उसके बाद जब हमने ये किया, ये स्टेप्स दो किए, तो इसके बाद हम ये लिखेंगे, ये है आर, आर ई ए लिखेंगे यहां पर और डी लिखेंगे यहां पर, फिर ये डी ए इनको हम आपस में मिलाएंगे तो ये स्क्वायर बन जाता है। अगर ये 5.1 है, ये भी आता है 5.1, ये भी आता है 5.1 और ये भी आता है 5.1। ओके, क्लियर। देखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप हम कैसे लिखेंगे, दूसरा कैसे लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे, आपको खुद ब खुद आएगा, मैं सिर्फ गाइडेंस करता हूं, ये हमें कैसे बनानी है आपको खुद ब खुद आएगा, क्योंकि जो 4 एक्सरसाइज है वो आपने खुद किए हैं। हम पहला स्टेप लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट आर ई, आप देखते रहिए, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट आर ई, आर ई इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर, क्लियर। दूसरा स्टेप, टेक पॉइंट आर, ड्राइंग आर्क ऑफ रेडियस, टेक पॉइंट आर, ड्राइंग आर्क ऑफ रेडियस 5.1 सेंटीमीटर।
टेक तीसरा स्टेप ड्रॉ एन अनदर पॉइंट ई टेक एन अनदर पॉइंट ई ड्रॉ एन अनदर आर्क 5.1 सेंटीमीटर ओके ज्वाइन ये हमने ज्वाइन भी किया और उसके बाद क्या करेंगे जब ये पॉइंट्स जो आ गए इसके बाद हम इस पॉइंट पर इस आर्क पर ये लिखेंगे ए जहां इसने कट किया है तो इसको ए लिखेंगे इसको डी लिखेंगे है आर ई ए डी रीड आ गया फिर लास्ट पर क्या करेंगे हम ये ज्वाइन करेंगे यहां पर भी हमने आर पर 90 डिग्री बनाया ई पर भी 90 डिग्री बनाया इसके बाद हमने ये आर्क डाली यहां पर भी आर्क डाली फिर ये आर्क दो आपस में मिलाएंगे तो ये क्या बन गया ये स्क्वायर बन गया आर ई ए डी ये बन गया रीड ये स्क्वायर आपका स्क्वायर गिवन स्क्वायर आपके सामने है आपको बाकी जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है आज मैं खुद नहीं लिखूंगा आप खुद लिखोगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको खुद ब खुद आ जाएंगे और लास्ट पे क्या लिखेंगे लास्ट पे हम ज्वाइन करेंगे एडी तो ये स्क्वायर बनता है ओके थैंक यू।